आप सबको डॉक्टर रजनी रमण झासा आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। अभिज्ञान शाकुंतलम के अब की समाप्ति की ओर हम अग्रसर हैं। अभी तक हमने यह पढ़ा है कि दुष्यंत और शकुंतला का आमना सामना हो जाता है और दुष्यंत यह कहता है कि पहले जब मैंने तिरस्कार के समय तुम्हारे आँखों से आंसू बहकर होठों तक आ गए थे तो मैं उसका प्रमार्जन नहीं कर पाया, किंतु अब जो आंसू चूँकि पहले का कष्ट कम हो गया तो आंसू जो पलकों में हैं उनको पोंछ कर मैं प्रायश्चित कर लूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, तब इति यथोक्तम अनुतिष्ठति, ऐसा कहकर वह शकुंतला के आंसू पोंछना चाहता है। तो शकुंतला नाम मुद्राम दृष्ट्वा, जो अंगूठी में दुष्यंत का नाम था उसको देखकर कहती है, आर्यपुत्र इदम ते अंगुलीयकम, यही तो आपकी अंगूठी है। तो राजा कहता अस्माद अंगुलियोपलम्भात खलु स्मृति उपलब्धा, तो राजा कहता है कि इसी अंगूठी की प्राप्ति से तो तुम्हारी याद आई। शकुंतला को यह आश्चर्य होता है कि राजा के पास अंगूठी कैसे पहुंच गई, अंगूठी तो उसने शकुंतला को दी थी और वह अंगूठी गिर गई थी शची तीर्थ में, तो फिर ये राजा के पास कैसे अंगूठी पहुंची। इसीलिए कह पूछती है आर्य पुत्र इदम ते अंगुली कम, यह तुम्हारी अंगूठी, तो कहते राजा का तस्माद अंगुल्य अंगुलियोपलम्भात, इसी अंगूठी के कारण से ही तो उपलम्भात ये जो प्राप्त हुई, इसी के कारण से तुम्हारी स्मृति भी प्राप्त हुई मुझे। शकुंतला विषमम कृतम अनेन यत्तदार्य पुत्र से प्रत्येक काले दुर्लभम आसी, इसने अनर्थ कर दिया इस अंगूठी ने, जो जब आर्य पुत्र मुझे याद नहीं कर पा रहे थे, आर्य पुत्र से प्रत्येक काले जब उनका मेरे ऊपर विश्वास होना था तब वो अंगूठी वहाँ नहीं थी, इसने अनर्थ कर दिया दुर्लभ। तो राजा तेन हिरतु समवाय चिन्हम, तेन हिरतु समवाय चिन्हम प्रति पद्यताम लता कुसुमम, तो राजा कहता है कि तो लता अब ऋतु दुष्यंत से हो रहे मिलन की निशानी के रूप में पुष्प धारण करे। बहुत बढ़िया बात कहता है कि उस समय तो अंगूठी नहीं मिली तो अभी क्या होगा, तेन ही ऋतु मतलब ऋतु का समवाय चिन्हम, ऋतु का जब मिलन हो रहा है किससे, तो लता कुसुम शकुंतला से। ऋतु दुष्यंत का अर्थ ले लिया ऋतु और शकुंतला का अर्थ ले लिया लता कुसुम, तो क्या प्रतिपद्यता समवाय चिन्हम, तो यह निशानी के रूप में पुष्प प्रतिपद्यता लता कुसुमम पुष्प को धारण करे, या अंगूठी पुष्प हो। ऋतु आई है किस पर, लता पर, तो लता खिलेगी ना, तो खिलेगी तो वो खिलना क्या है, या अंगूठी बन जाए। तेन हेतु समवाय चिन्हम प्रतिपद्यताम लता कुसुमम, समवाय चिन्ह के रूप में यह लता कुसुम जो है यह ऋतु समवाय चिन्हम, ऋतु के साथ जो लता का मेल हुआ है उससे जो कुसुम उत्पन्न होगा तो उसके समवाय चिन्ह की उसकी निशानी के रूप में यह अंगूठी है। शकुंतला कहते नास्य विश्वसिमि आर्यपुत्र एवे तद्धारय तु, शकुंतला कहती है मुझे इसका विश्वास नहीं है समूठी का, आप इसको धारण करें। तथा प्रविशति मातली है, उसके बाद मातली का प्रवेश होता है। अब आगे कहते हैं मातली तथा प्रविश मातली दृष्ट्या धर्म पत्नी समागमेन पुत्र मुख दर्शन चायुष्मान वर्धते, कि आयुष्मान जो यानी राजा हैं वे जो उन्होंने अभी शकुंतला से उनका पुनर्मिलन हो गया, पुत्र से भी उनको प्राप्त हो गया,
तो इससे क्या है, आयुष्मान वर्धते, आयुष्मान को बधाई दी जाती है, राजा को बधाई दी जाती है, वर्धते। राजा अभूत संपादित तो स्वादु फलों में मनोरथ है, राजा कहता मेरे मनोरथ में स्वादिष्ट फल लग गया। अभूत संपादित स्वादु फलों में मनोरथ, संपादित स्वादु फल जिसमें मीठा फल लग गया, ऐसा मेरा मनोरथ हो गया। मातले न खलि विद्युतो यम आखंड लेन वित्तांतः स्यात्। मातली को कहता है कि यह समाचार परम मित्र मेरे इंद्र को भी यह समाचार नहीं विदित होगा। यह समाचार इंद्र तो नहीं जानते होंगे क्या कि मेरी भेंट हो गई शकुंतला से। तो मातली कहता है सस्मितम किमीश्वराणाम परोक्षम, जो ईश्वर हैं, जो शक्तिशाली हैं, जो इंद्र जैसे देवता हैं, उनके लिए परोक्ष क्या है, यानी कि सब कुछ उनके सामने स्पष्ट ही है, यानी उनको पता चल गया कि आपका शकुंतला से मिलन हो गया। एक तो आयुष्मान भगवान मारीचिस्त दर्शन वितरती, आइए भगवान मारीच, मारीच मतलब कश्यप ऋषि, वो आपको दर्शन देना चाहते हैं। राजा शकुंतले अवलंबिताम पुत्र है, राजा शकुंतला बेटे को, राजा कहता शकुंतला बेटे को संभालो, त्वाम पुरस्कृत भगवंतम दृष्टुम इच्छामि, तुम्हें आगे करके मैं भगवान कश्यप को देखना चाहता हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ। शकुंतला जिहमे म्यार्यपुत्रेण सह गुरु समीपे गंतुम, आर्यपुत्र के स्वामी के साथ गुरुजन के पास जाते हुए लज्जा लग रही है, पति के साथ स्वामी के साथ गुरु के पास जाने में लाज आ रही है, वो कहते शकुंतला। तो मारीच राजा अप्याचरितव्यम अभ्युदय कालेश यही, तो राजा कहता है उन्नति के अवसरों पर तो यह शिष्टाचार है, उन्नति के अवसरों पर तो शिष्टाचार है कि उनसे उन्नति हुई है ना, हमारी भेंट हो गई, हमारी उन्नति हुई, तो ऐसे समय में हमें गुरुजनों के पास जाना ही चाहिए। आओ आओ, सब घूमते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, तथा प्रविशत आदित्य साधम आसनस्थो मारीच, मारीच ऋषि जो है, कश्यप ऋषि जो है, वे बैठे हैं किस पर, आसन पर, और उनके बगल में अदिति हैं, और उनका प्रवेश होता है, प्रवेश होता है, में चल के प्रवेश नहीं होता, वो बैठे होते हैं वहाँ और पर्दा उठता है तो यही उनका प्रवेश होता है। मारीच राजा नम अवलोक्य दाक्षायणी, राजा जो है वो मारीच इसको राजा को देखकर, दक्ष पुत्री दाक्षायणी क्या कहते हैं, पुत्रस्य ते रणशिरस्य मध्ययायी दुष्यंत इत्यभिहितो भुवनस्य भर्ता, चापेन यस्य मिनिवर्तित कर्म जातम तत्कोटि मत्कुली कुलिश माभरणम मघोना। थोड़ा सा इसमें प्रिंट की कोई गड़बड़ आ रही है, इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये क्या कहते हैं कि अयम ते पुत्र से रणशिरसि अग्रयायी भुवनस्य भर्ता, दाक्षायणी यानी दक्ष पुत्री कौन है, यानी कि उनकी पत्नी जो अदिति है, उनको कह रहे हैं अदिति को कि हे दाक्षायणी, हे अदिति, अयम ते पुत्र से रणशिरसि अग्रयायी भुवनस्य भर्ता दुष्यंत, यह दुष्यंत है जो तुम्हारे पुत्र के रणशिरसि मतलब संग्राम में क्या करता है, अगले मोर्चे पर रहता है, और अगले मोर्चे पर रहता है, भुवनस्य भर्ता दुष्यंत, संसार का जो यह पालन पोषण करने वाला दुष्यंत है, वह इति अभिहता, यह इसका नाम दुष्यंत है। यस्य चापेन विनिवर्तित कर्म तत्कोटिमत, जिसके धनुष से संपन्न कार्य वाला तीक्ष्ण धार युक्त, जिसके धनुष से कार्य संपन्न हो गया, यानी कि देवासुर
संग्राम में जो है देव विजयी हुए, असुर मारे गए, ये किसके कारण से संपन्न हुआ? इसके धनुष के कारण से। अविनिर्वर्तित कर तत्कोटि मत कुलिशम मघोन आभरणम जातम। इससे क्या हुआ कि तीक्ष्ण धार युक्त तो जो कोटिमत, जो तीक्ष्ण धार युक्त तो वज्र है, कुलिश है, किसका? इंद्र का। वह मात्र शोभा बनकर रह गया है। क्या अर्थ हुआ कि यह तुम्हारा, तुम्हारे बेटे के का साथी मोर्चे में, संग्राम के मोर्चे पर आगे आगे रहने वाला, यह दुष्यंत जो है, यह तुम्हारे पुत्र के साथ संग्राम में मोर्चे पर आगे आगे रहने वाला है, और यह पृथ्वी का पालन करता है, इसका नाम है दुष्यंत, और जिसके धनुष के, जिसके धनुष से विनिवर्तित कर्म संपन्न हुआ, वह कार्य ऐसा है कि कोटिमत कुलिशम, जो तीक्ष्ण धार युक्त, तीक्ष्ण धार युक्त वज्र है इंद्र का, वह केवल शोभा बनकर रह गया। यानी कि सारा काम तो इसने ही कर दिया, दुष्यंत ने, अपने शत्रु को मारने में, असुर को मारने में, देवासुर संग्राम में। तो चूंकि ये इस सारा काम इसी ने कर दिया असुरों को मारने का, तो इंद्र के हाथ का जो वज्र है वह उसकी शोभा बनकर रह गया, इससे अधिक कुछ नहीं। तो अदिति कहती है संभावनीयानुभावा स्वाकृति है, तो वो कहती है इसके स्वरूप से ही संभावनीय, इसके स्वरूप से ही इसके इसके स्वभाव का पता चल जाता है, इसके स्वरूप से ही इसके प्रभाव का अनुमान किया जाता है, इसका चेहरे, इसके चेहरे से पता चलता है कितना प्रभावशाली है। मातली आयुष्मान ये तो पुत्र प्रीतिपुष्णेन चक्षुषा दिवोकुसाम पितरा पितरा वायुष्मंत अवलोक्यत तावत तावुप सर्प। तो वो मातली कहता है राजा को कि ये दोनों जो हैं, ये तो पुत्र, कौन दोनों? इंद्र के पुत्र आयुष्मान, ये तो पुत्र प्रीतिपुष्णेन, तो राजा उन इंद्र के मित्र और उपकारी मित्र हैं, अतः राजा के प्रति इन का पुत्र स्नेह स्वाभाविक है। यह राजा जो दुष्यंत है, यह इनके पुत्र यानी कश्यप और अदिति के पुत्र हैं इंद्र, इनका मित्र और सहायक है। तो इनके मित्र और पुत्र प्रीतिपुष्णेन चक्षुषा, इस कारण से राजा के प्रति अदिति व और कश्यप का पुत्र स्नेह स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि यह राजा जो है वह इंद्र के लिए, इंद्र का बड़ा मित्र है, इंद्र के दुख को अभी उसने दूर किया है जब उसने असुरों को मारा है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं मातली कि आयुष्मान ये तो पुत्र प्रीति पिशुनेन, ये जो दोनों कश्यप और कश्यप की पत्नी अदिति हैं, ये पुत्र प्रीति पिशुनेन, पुत्र के प्रति प्रेम के बहाने से चक्षुषा दिवोक्षाम पितरा वायुष्मंतम अवलोकयतः। तो ये आप आयुष्मान, आपको देवों के ये माता पिता पुत्र स्नेह उससे पुत्र स्नेह सूचक दृष्टि से देख रहे हैं। ये जो देवों के माता पिता हैं कश्यप और अदिति, यह ये आपको पुत्र स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं। तो क्यों? तावत उपसर्प, तो उनके समीप जाए। तो राजा जाता है, कहता है राजा मातले एतौ, तो कहते मातली ये दोनों कैसे हो रहे हैं? तो कहते हैं कि ये दोनों कैसे हो रहे हैं, तो राहुर द्वादशधा स्थितस्य मुनियो यत तत्तेजसः कारणम भर्तारं भुवनत्रयस्य सुषमे यज्ञ यद्यज्ञ भागेश्वरम यस्मिन् नात्मभवः परोपि पुरुषश्चक्रे भयायास्पदम् भवायास्पदम् द्वंद्वम् दक्षमरीचि संभवमिदम् तत्स्रष्टुरेकांतरम्। तो यहाँ ये यह कहते हैं कि इदम् दक्षमरीचि, दक्ष और मरीचि से उत्पन्न विधाता से
दक्ष और मरीचि से उत्पन्न विधाता से एक पीढ़ी के अंतर वाला यह वह जोड़ा है जिसे ऋषियों ने 12 रूपों में विद्यमान तेज आदित्य का कारण माना है। जो अभी कहा किसके, कश्यप और आदित्य के बारे में, तो यह अभी इनके बारे में चर्चा चल रही है। तो इस श्लोक को हम पुनः कल देखेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।